तो भैया कहानी ऐसी है कि मानसून का समय चल रहा है और गंगा उफनाई हुई है। मैं भी सरसैया घाट निकल गया उफनाई हुई गंगा का नज़ारा देखने। आपको भी ये नज़ारा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं कानपुर की खाने पीने की फेमस चीज़ों का मिथ तोड़ना चाहता हूँ। वो मिथ ये है कि कानपुर में तीन ही चीज़ें ईजाद की हैं कानपुर वालों ने, वो हैं फग्गू के लड्डू, सब्जी पूरी और मटका मलाई। ये तीन चीज़ें ईजाद की हैं कानपुर वालों ने, बाकी की जितनी फेमस चीज़ें हैं वो दूसरे शहरों से आई हैं। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो दूसरे शहरों से आई हैं। अगर आपको चौथी चीज़ें जो कानपुर में ईजाद की हुई हैं मालूम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन अब आप गंगा का नज़ारा लीजिए, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं कानपुरिया राजू व्लॉग। मैं दिखाता हूं कानपुर, कानपुर के बारे में ही मैं बताता हूं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये सरसैया घाट का नज़ारा है और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे गंगा बह रही हैं। गंगा अपने पूरे उफान पर हैं। ये देखिए हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं आप। एक टाइम पे ये नाला बहता था नाला, लेकिन आज ये देखिए गंगा बह रही हैं। विनय नमानत जलद जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। रामायण की ये चौपाई जो है हमें ये सिखाती है कि बिना डर के कोई आपसे प्रीत नहीं करता। रामचंद्र जी को रावण को मारने के लिए समंदर पार करना था और उन्होंने समंदर से तीन दिन तक आग्रह किया। तीन दिन तक आग्रह करने के बाद समंदर नहीं माना तो उन्होंने अपनी तीर कमान उठाई समंदर को सुखाने के लिए। जब तीर कमान रामचंद्र जी ने उठाया तब जाके समंदर ने रामचंद्र जी को रास्ता दिया। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर शक्ति नहीं है तो आपसे कोई डरे अरेगा नहीं। पहले मैंने आपको वो जगह दिखाई थी जहाँ खीरा और ककड़ी होते थे, पूरी तरह से वो डूब चुका है। ये देखिए सरसैया घाट का ये वो नज़ारा है जहाँ पर काफ़ी हद तक पानी भर चुका है, यानी ओवरफ्लो, गंगा ओवरफ्लो हो रही हैं। ये देखिए सीढ़ियों तक पानी आ चुका है। ये देखिए